हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं ऑक्स इन्वेंट्री हमारे क्यूबिकोड सर्वर में। बट इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इन्वेंट्री स्क्रिप्ट हमारे क्यूबिकोड सर्वर के लिए कम्प्लीटली कंपैटिबल नहीं है, जिसका मतलब ये ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है। आपको अपने एंड से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे एज वेल एज आपको कुछ चीज़ें ट्रबल शूट भी करनी पड़ेगी। सो अगर आप वो सब कर सकते हो एंड आपको पता है कि एरर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तभी आप इस वीडियो के साथ आगे बढ़ें, वरना आप यूज़ कर सकते हैं पीएस इन्वेंटरी या फिर कोई भी मॉडिफाइड क्यूबी इन्वेंटरी। अगर आप वो सब कर सकते हैं तो अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो में। सो सबसे पहले आपको आ जाना अपने ब्राउजर में एंड आपको इनकी डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेना है। इस डॉक्यूमेंटेशन में आपको ए टू जेड सब कुछ मिलेगा, मतलब इसके सारे गाइड्स एज वेल एज फंक्शन जो आपकी हेल्प करेंगे ट्रबल शूट करने में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ऑक्सलिब को डाउनलोड कर लेना है। ऑक्सलिब आपको पता ही है कि हमेशा हमें चाहिए जहां जहां ऑक्सलिब की डिपेंडेंसी होती है। सो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है इसके गिटहब रेपो पे एंड वहां पे आने के बाद आपको आ जाना है रिलीजेस में। रिलीजेस में आने के बाद आपको डाउनलोड कर लेनी है इसकी जिप फाइल एंड ये डाउनलोड यहां से हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने क्यूबिकोड सर्वर में एंड रिसोर्सेज में आने के बाद आपको इसको खुले में ही पेस्ट कर देना है कुछ ऐसे। एक बार आप ओपन करके जरूर देख लेना कि इसके अंदर एफएक्स मैनिफेस्ट फाइल हो, वरना ये रन नहीं करेगी, आपको इसको बिल्ड करना पड़ सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस आ जाना है अपने ब्राउजर पे एंड ऑक्स इन्वेंटरी को डाउनलोड कर लेना है एंड इसको भी सेम वे में आपको डाउनलोड करना है, जिसके लिए आपको आ जाना है सबसे पहले रिलीजेस में एंड रिलीजेस में आने के बाद आपको ये जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है कुछ यहां से। इसके बाद आपको इसको भी ओपन कर लेना है कुछ ऐसे एंड इसको भी इधर से ही कॉपी कर लेना है एंड इसको पेस्ट कर लेना है अपने रिसोर्सेज फोल्डर में खुले में ही कुछ ऐसे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आ जाना है वापस से इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, बिकॉज इसके अंदर ही लिखा है कि हमें आगे क्या क्या करना है। सो इसके बाद इसने बताया कि इसका जो एक स्टार्ट ऑर्डर है आपको वही फॉलो करना है, जिसमें क्या बताया है कि आपको सबसे पहले ऑक्सलिब को स्टार्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपका फ्रेमवर्क स्टार्ट होगा, जिसका मतलब ऑक्सलिब के बाद होगा हमारा क्यूबिकोर फ्रेमवर्क स्टार्ट एंड उसके बाद ही स्टार्ट होगी हमारी ऑक्स इन्वेंटरी। ऑक्स टारगेट आप यूज़ कर सकते हो बट ये ऑप्शनल है। सो अब हम इसको चल के एंश्योर भी कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने वापस रिसोर्सेज पे एंड आपको ओपन कर लेनी है सर्वर सीएफजी फाइल। इसके बाद आपको आ जाना है नीचे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हो रखा है क्यूबिकोर, सो इससे ऊपर मैं स्टार्ट कर लूंगा ऑक्सलिप को कुछ ऐसे। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट कर लूंगा हमारी ऑक्स इन्वेंट्री को। इसके बाद आपको आ जाना है इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे वापस एंड यहाँ पे आपको मिलेगी इसकी कॉन्फ़िग फाइल। बट याद रखना कि ये कॉन्फ़िग फाइल है कॉनवर्स, जिसका मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये सब दिया हुआ है स्क्रिप्ट के अंदर। बट अगर आपको कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ ओवरराइट करना है कि ESX की जगह आपको क्यूबिकोर करना है, सो ये उसके लिए हमें हेल्पफुल रहता है। सो ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप इसको पेस्ट करो कि नहीं, बट मैं आपको करके दिखा देता हूँ बिकॉज आई माइट थिंक कि आपको ये चीज़ समझ ना आई हो। सो उसके लिए अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरी फाइल को कर लेना है कॉपी एंड कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है ऑक्स इन्वेंटरी पे एंड ऑक्स इन्वेंटरी में आने के बाद आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जो कि होगी कुछ ऐसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड यहां पे आपको लिखना है कॉन्फिग एंड जो एक्सटेंशन है वो होनी चाहिए सीएफजी। एंड याद रखना कि ये सीएफजी फाइल बनाना ये ना हो कि config.cfg.txt आपकी बन जाए। तो इधर आने के बाद आपको इसको कर लेना है इधर कुछ ऐसे पेस्ट। अब यहाँ पे वही सब बताया हुआ है कि आपको कि क्या क्या सेटिंग है, आपको कुछ सेटिंग नहीं रखनी तो आप वो ना रखो या फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। सो जो सबसे पहली मॉडिफिकेशन है वो है हमारी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में हम यहाँ पे लिख देंगे क्यूबी, जिससे ये क्यूबिकोर फ्रेमवर्क के साथ अच्छे से वर्क करे। इसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके स्लॉट्स, 50 स्लॉट्स अभी यहाँ पे मिलते हैं। अगर आपको इसको कम करना ज़्यादा करना वो भी कर सकते हो, मैक्सिमम कैपेसिटी भी आप चेंज कर सकते हो एंड ऐसे कर करके आप सब कुछ चेंज कर सकते हो अपने एंड से। अगर आपको कुछ नहीं रखना तो वह आप हटा भी सकते हो। सो ये आपकी कंप्लीटली मर्जी है। बट अब इसको भी इंश्योर हमें करना पड़ेगा बिकॉज ये सीएफजी फाइल है। सो सीएफजी फाइल को इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है इधर एंड यहाँ पे आपको लिखना है एग्जैक, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूट एंड उसके बाद हमें इसका पाथ बताना है। पाथ बताने के लिए आपको करना है @ exec एंड इसके बाद हमें इसका पाथ बताना है। सो पाथ बताने के लिए आपको लिखना है @ ऑक्स इन्वेंट्री / एंड / के बाद आ जाएगा आपका जो पाथ है वो, जो कि है config.cfg।
इतना करने के बाद आपका जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। बट याद रखना, मैं आपको दोबारा बोल दूं कि इसकी कॉन्फ़िग फाइल आप याद से देख लेना, एंड आपको जो जो चेंजेस करने हैं वो भी आप देख लेना। एंड इसके अलावा एक मेन चीज़ और बता दूं कि ये जो हॉट कीज़ है एंड ये जो कीज़ है, आप ये भी अपने हिसाब से सेट कर लेना। F2 से आपकी इन्वेंट्री ओपन होगी, K से आपकी जो सेकेंडरी इन्वेंट्री है वो ओपन होगी, एंड टैब से आपकी हॉट बार ओपन होगी। हॉट बार वही वाली बार होती है जो आपको नीचे दिखती है, जिसके अंदर आपके जो 5 आइटम होते हैं वो भी दिखते हैं। तो ये सब आपको वो सेटिंग मिलती है, आप इसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से, बड़ा ही इजी है। और इसके अलावा आप ऐड कर सकते हो अपनी जो वेबबुक है वो, जिससे आपको क्या है, आपको डिस्कॉर्ड पे लॉग्स मिलते रहेंगे कि कब क्या हुआ है। सो अब वापस आ जाते हैं हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, एंड अब हम आ जाते हैं क्यूबी कोर वाले पार्ट पे। सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑक्स इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद फ्रेमवर्क में आने के बाद आपको क्यूबी कोर को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा बताया कि आपको चीज़ें क्या क्या रिमूव करनी है। सो रिमूव आपको करना है अपनी क्यूबी इन्वेंट्री को, क्यूबी शॉप्स को, क्यूबी वेपन्स को, बिकॉज ये सारी डिपेंडेंट है आपकी क्यूबी इन्वेंट्री से। एंड ये जो शॉप्स है, वेपन्स है, ये सारा आपको मिल जाता है इस ऑक्स इन्वेंट्री के अंदर ही। एंड ये सबको आप कैसे कन्फिगर कर सकते हो, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज ये थी एक क्यूबी कोर ओरिएंटेड वीडियो, एंड अगली वीडियो होगी एक जनरल वीडियो जो कि हेल्पफुल होगी दोनों क्यूबी कोर और ESX वाले प्लेयर्स को। सो अब हम चलते हैं एंड इसको चेंज कर देते हैं। सो उसके लिए आपको आ जाना है इधर रिसोर्सेज पे, एंड रिसोर्सेज पे आने के बाद आपको आ जाना है इधर क्यूबी में, एंड क्यूबी में हम सबसे पहले तो डिलीट कर देंगे हमारी क्यूबी इन्वेंट्री को। इसके बाद हम डिलीट करेंगे क्यूबी शॉप्स को, जो कि हमें मिलती है कुछ यहाँ पे, एंड इसके बाद हम डिलीट कर देंगे क्यूबी वेपन्स को कुछ यहाँ से। इसके बाद हम वापस आ जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे, एंड हमने ये वाला पार्ट भी कंप्लीट कर दिया है। एंड इसके बाद हमें थोड़ा बहुत क्यूबॉक्स के बारे में बताया कि क्यूबॉक्स के अंदर तो बाय डिफॉल्ट आपको ऑक्स इन्वेंट्री ही मिलती है। अगर आपको क्यूबॉक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। सो इसने और कुछ बताया कि आपको बस वही कि कॉनवार सेट करना होगा क्यूबी को, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अपना सर्वर स्टार्ट करना है, एंड आपको ये कमांड रन करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो क्यूबी इन्वेंट्री का डेटा है वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्स इन्वेंट्री के लिए। सो अब हम ये कर लेंगे, एंड इसके अलावा हमारी जो सारी मॉडिफिकेशन थी हमारे एंड से जो भी था वो सब हमने कर लिया है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सर्वर को एक बारी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ इधर YouTube पे, क्योंकि मेरे फोल्डर का नाम YouTube है, एंड मैं अपने सर्वर को लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी इन्वेंट्री जो है वो लोड हो चुकी है। बट यहाँ पे आने के बाद मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपकी जो पुरानी इन्वेंट्री थी उसके अंदर भी आपने कुछ चेंजेस किए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कुछ स्क्रिप्ट ऐड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसकी कुछ JS फाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं, या फिर हमें कुछ नई इमेजेस ऐड करनी पड़ती है, तो आपको वो सारी इमेजेस भी वहाँ से लेकर यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी, एंड उसमें भी आपका थोड़ा बहुत चेंज होएगा। JS फाइल में मॉडिफिकेशन या जो बेसिक मॉडिफिकेशन है वो भी थोड़ी सी अलग होगी इसके लिए। सो ज्यादातर स्क्रिप्ट हमारी जो ऑक्स इन्वेंट्री उसको सपोर्ट करती है, बट अगर कुछ ना करे तो आपको वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ सकता है। सो जो आपकी इमेजेस है, इन्वेंट्री इमेजेस, वो सारी आ जाएगी यहाँ पे, एंड आपको बस उनको पेश करना है एंड एंश्योर करना ये स्टार्ट हो जाएगी। एंड जो आपके JS वाले पार्ट है वो सारा आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप वो कैसे चेंज कर सकते हो, एज वेल एज आप शॉप कैसे क्रिएट कर सकते हो, आप और वेपन्स ऐड कैसे कर सकते हो, आइटम ऐड कैसे कर सकते हो, वो सब इस इन्वेंट्री के लिए। इस इन्वेंट्री के लिए डेडिकेटेड वीडियोज़ भी मैं लेके आने वाला हूँ। सो यहाँ पर हमने वो सब कर लिया है, एंड एक और चीज़ रहेगी जो कि है हमारे आइटम्स। अब ये थोड़ा एक मेन पार्ट आप कह सकते हो। सो हमारी जो क्यूबी इन्वेंट्री थी उसके अंदर कुछ फंक्शंस हमें मिलते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएट आइटम, आईडी कार्ड, क्रिएट आइटम, हमारा जो लाइसेंस है वो सब, एंड उनका भी मेटा डेटा है। अब वो मेटा डेटा एंड वो सारी चीज़ें आपको उस इन्वेंट्री में मिलती है, बट वो फंक्शन इस इन्वेंट्री में ऐड नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो आपके आइटम्स है, फॉर एग्जाम्पल आईडी कार्ड, ड्राइवर्स लाइसेंस, वो वर्क नहीं करेगा। सो आपको क्या करना है, उस फंक्शन को भी इधर आपको यूज़ करना है एंड आपको पेश करना है खुद से, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हो कि मैं आपको अगली वीडियो में डेडिकेटेड ये चीज करके दिखा दूंगा, एंड मैं उस सेगमेंट को एक अलग से रखूंगा जिससे कि आपके हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो यूजर्स हैं, उनको थोड़ी हेल्प हो जाए एंड कोई सर्च करे तो उनको वो चीज मिल जाए आसानी से। सो ये सब के साथ अब हमने क्या करना है, हमें उस फंक्शन को रन करना है, उस कमांड को रन करना है जो कि था ये कन्वर्ट इन्वेंट्री क्यूबी। सो इसको मैंने किया यहां से कॉपी एंड यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। वैसे मेरा इधर कोई डेटा नहीं है, मतलब अगर हमारा पहले कोई डेटा हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है, बट मैं हमेशा एक फ्रेश सर्वर से स्टार्ट करता हूँ जिससे कि हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो सीमलेस हो जाए। सो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है पेस्ट एंड मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ एंटर। सो इसने बता दिया कि 0 चीज़ें कन्वर्ट हुई है, बस जो मेरी यूज़र इन्वेंट्री है वो एक नए फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी है। एंड इसी के साथ अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को एक बारी बंद करता हूँ एंड एक बारी मैं दोबारा स्टार्ट कर लेता हूँ, जिससे क्या है हमारा सर्वर एक बार अच्छे से रीस्टार्ट हो जाएगा एंड सारी चीज़ें
अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, हमारी इन्वेंटरी स्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुकी है बिना किसी एरर के। सो अब मैं चलता हूँ हमारे सर्वर में एंड मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ ये वाली इन्वेंटरी स्क्रिप्ट। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग जो है 5M ऑफिशियल होस्टिंग पार्टनर, एंड इनके हेल्प से आप अपना 5M सर्वर होस्ट कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। एंड चेकआउट के टाइम यूज़ करना मेरा प्रोमो कोड जिससे आपको मिलेगा एक अच्छा खासा डिस्काउंट। एंड ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। सो यहाँ पे मैं आ चुका अपने सर्वर के अंदर एंड इन्वेंट्री को सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ। सो इन्वेंट्री ओपन करने के लिए मेरे को प्रेस करना होगा F2, जिससे क्या होगा मेरी इन्वेंटरी ओपन हो जाएगी। आईडी कार्ड के लिए आपको इमेजेस नहीं दिखेगी बिकॉज ये सारी इमेजेस थी हमारी क्यूब इन्वेंटरी में जो कि मैंने पेस्ट नहीं करी, बट ये आपको करनी चाहिए। एज वेल एज जो हमारा मनी है वो यहाँ पे एज एन आइटम हमें दिखता है, जिसका मतलब अगर आपको किसी को पैसे देने हैं तो आप सीधा यहाँ से दे सकते हो कुछ ऐसे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मनी वापस माइनस हो गया, मैं वापस रखता हूँ तो मेरे पास वापस से मनी आ जाएगा। एज वेल एज आप यहाँ पे हॉटबार को भी यूज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक बार फिर से रिस्टार्ट करना पड़ सकता है। बाय डिफॉल्ट जैसे आप अपने सर्वर को फ्रेश स्टार्ट करते हो तो आपके जो आपकी हॉट बार है वो यूजेबल नहीं रहेगी ड्यू टू सम रीजंस, बट एक बार अगर आप फिर से रिस्टार्ट करते हो तो ये सब अच्छे से वर्क करेगा। इसके अलावा अगर मैं प्रेस करता हूँ टैब तो यहाँ पे जो हमारी नीचे वाली हॉट बार है वो आ जाती है, एंड वो थे हॉट बटन्स जो जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। सो ऐसे ये बड़े अच्छे से वर्क करती है इन्वेंट्री हमारे लिए, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि आई कार्ड लाइसेंस वर्क नहीं करेंगे बिना उन फंक्शंस के जो कि अवेलेबल थे हमारी क्यूबी इन्वेंट्री में। उसके लिए मैं शायद अलग से एक वीडियो बना दूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने अपने हिसाब से न्यू शॉप्स भी क्रिएट कर दी हैं। सो यहाँ पे हम एक बार चलते हैं एंड देखते हैं कुछ आइटम्स को। सो मेरे को करना पड़ेगा नो क्लिप, मैं आ जाता हूँ कुछ यहाँ पे और आप देख सकते हो कि ये हमारे लिए वर्क करेंगे बड़े अच्छे से। मेरे को अपनी इन्वेंटरी ओपन करनी होगी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो आइटम्स हैं वो दिख रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं। सो मेरे को अगर कुछ ही परचेज़ कर रहा हूँ मैं 1 प्रेस करूँगा, ड्रैग करूँगा, मेरे पैसे कट जाएंगे एंड आइटम मेरे पास आ जाएगी। सो ये कुछ ऐसे ही हमारे लिए वर्क करता है। एंड आप देख सकते हो कि हमारे जो ऑक्स लिब है उसके साथ इसका अपना एक प्रोग्रेस बार भी आता है एंड वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो ये दोस्तों कुछ ऐसी स्क्रिप्ट थी, आपको कैसी लगी आप मेरे को ज़रूर बताना। इसी के साथ हमें मिलता है कुछ वेपन शॉप्स, बाकी सारे शॉप्स जो कि आपको पता है कि कैसे वर्क करते हैं, आप खुद से भी टेस्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको प्रीफर करता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली अपने मेन सर्वर पर मत ट्राई करना, आप अपने किसी सेकेंडरी सर्वर पर या फिर अपने एक टेस्ट सर्वर पर ज़रूर ट्राई करना अपने मेन सर्वर पर आने से पहले, जिसको आपको जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या एरर्स आ रही हैं, आपको उनको ट्रबल शूट करना पड़ सकता है, आपको अपने कुछ स्क्रिप्ट में भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं। ये इन्वेंट्री इतनी ईजी नहीं है, बट अगर आपको चीज़ें पता है ये कैसे वर्क करती है ये इन्वेंट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है एंड ये वाली बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एज कम्पेयर टू क्यूबी इन्वेंट्री। सो यही था दोस्तों इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही एंड जाने से पहले मेक श्योर टू चेक आउट ज़ैप होस्टिंग जहां आप होस्ट कर सकते हो अपना खुद का 5M सर्वर इनके गेम सर्वर होस्टिंग में, या फिर आप बाय कर सकते हो VPS या फिर रूट सर्वर अगर आपको कोई एक बड़ा 5M RP सर्वर है। एंड यहां पे आप मेरा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करना बिकॉज उसमें आपको रिन्यूअल के टाइम एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।